हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल इंजीनियर सिविल नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे कैंटिलीवर स्लैब को कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये RCC का 12 लेक्चर था, 11 लेक्चर था, सिंपली सपोर्टेड स्लैब को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोज़ आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। कैलकुलेट द लिमिटिंग मोमेंट्स ऑफ ए कैंटिलीवर स्लैब प्रोजेक्टेड 1.5। प्रोजेक्टेड का मतलब है कि बाहर निकला हुआ पोर्शन। प्रोजेक्टेड 1.5 मीटर फ्रॉम ए बीम एडॉप्टेड ए लाइव लोड ऑफ 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द कैलकुलेट रेनफोर्समेंट। यहाँ पे दो चीज़ कैलकुलेट करना है, एक लिमिटिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना है, एक रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है मेरा, गिवन डाटा में स्पान लेंथ जो जो क्वेश्चन में दिए हैं 1.5 मीटर मीन्स 1500 mm, लाइव लोड 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा किलोन्यूटन पर मीटर में। तो लाइव लोड 5 किलोन्यूटन पर मीटर एज्यूम, अगर ग्रेड नहीं दिया है कॉन्क्रीट को तो आप एज्यूम कर सकते हैं कुछ भी, M20, M25, कुछ भी M15, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एज्यूम किए हैं M20 कॉन्क्रीट एंड F415 और FCK तो हो गया 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FY415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टेप टू कैलकुलेट द इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम पेज नंबर 37 IS 456-2000। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया है पेज नंबर 37, यहाँ पे दिया है बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान ऑफ इफेक्टिव डेप्थ रेशियो LD कैंटिलीवर है तो 7, सिंपली सपोर्टेड 20, कंटिन्यूस 26। तो वही हम इसमें लिए हैं। फॉर कैंटिलीवर स्लैब तो LD का रेशियो कितना है, 7। LD का रेशियो कैंटिलीवर में कितना है, 7, तो वही हम यहाँ पे 7 लिए हैं। तो L कितना है मेरा, 1500 mm, mm में रखना है वैल्यू, लेंथ जो रहेंगे वो mm में। तो यहाँ पे D जो निकल जाएंगे 214.28, तो हम इसको राउंड में लेके चलते हैं 220 mm। यहाँ पे एज्यूम करते हैं इफेक्टिव कवर 30 mm, तो ओवरऑल डेप्थ कितने, डेप्थ ऑफ स्लैब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब प्लस कवर, तो ओवरऑल 220 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 250 mm टोटल डेप्थ ऑफ ए स्लैब। तो डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेंगे। तो ये निकला हुआ पोर्शन जो था बाहर 1.5 मीटर एंड टोटल 250, और इधर मैं उसका हाफ ले लिया हूँ 125 mm। और स्टेप थ्री क्या है, लोड कैलकुलेशन। तो लोड कैलकुलेशन पहला क्या है, सेल्फ वेट जिसको हम डेड लोड भी बोलते हैं, BD × L × 25। D जो इसको एवरेज डेप्थ लेके चलना है। एवरेज डेप्थ मतलब जैसे कि यहाँ पे इधर हो गए 250 mm और इधर हो गए 125 mm, तो दोनों को जोड़ करके डिवाइड दो कर देंगे तो एवरेज डेप्थ निकल जाएंगे। तो वही किए हैं, 250 प्लस 125 डिवाइड 2, तो 187.5 mm आ गए एवरेज डेप्थ। तो डेड लोड में इतना आ गया DL × B × 25। 25 के डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, तो यहाँ से मेरा डेड लोड निकल गया 4.67 किलोन्यूटन। तो फिनिशिंग लोड हम एज्यूम किए 1 किलोन्यूटन पर मीटर, लाइव लोड गिवन है क्वेश्चन में 5 किलोन्यूटन पर मीटर, टोटल लोड जो है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस फिनिशिंग लोड। सो डेड लोड हो गया मेरा टोटल लोड जो हो गया 10.67 किलोन्यूटन पर मीटर। अब इस लोड को हम डिज़ाइन लोड बनाना है या फिर अल्टीमेट लोड, तो डिज़ाइन लोड बनाने के लिए जो लोड है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। तो ये मेरा आ गया 16.0125, मतलब हम इसको 16 लेके चल रहे हैं। स्टेप फोर कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट MU इफेक्टिव डिवाइड बाई 2, और इस ये होता है कैंटिलीवर केस के लिए, और शेयर फोर्स होता है WL इफेक्टिव। तो ये कैंटिलीवर के लिए सिंपली सपोर्ट के लिए अलग होता है, कंटिन्यूस के लिए अलग होता है। और MU यहाँ पे जो मैं टोटल वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं तो मेरा MU आ गया 18 किलोन्यूटन मीटर। शेयर फोर्स VU जिसे डिनोट करते हैं WU × L इफेक्टिव, तो VU आ गया 24 किलो न्यूटन। स्टेप फाइव कैलकुलेट लिमिटिंग मोमेंट। तो लिमिटिंग मोमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला होता है,
तो यहाँ पे ग्रेड क्या है स्टील का 415 के लिए फॉर्मूला होता है 0.138 FCK BD स्क्वायर, तो 0.138 एंड ग्रेड क्या है कंक्रीट 20 बी कितना 1 मीटर के लिए कर रहे हैं तो 1000 mm इंटू डेप्थ कितना है इफेक्टिव डेप्थ 220 mm स्क्वायर, तो ये आ गए 1335840 न्यूटन mm। तो वही हम इसको किलो न्यूटन मीटर मीटर में लिखते हैं तो 10^6 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 133.58 किलोमीटर मीटर। यहाँ पे जो आए हैं केस MU लेस देन MU लिमिटिंग, तो मतलब यहाँ जो डिज़ाइन होंगे वो सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन डिज़ाइन होंगे। स्टेप 6 कैलकुलेट AST कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यहाँ से 0.5 यहाँ से हम AST कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से 0.5 FCK FY ब्रैकेट 1 - √1 - 4.6 MU FCK BD स्क्वायर B इंटू डी। यहाँ पे ऑल वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से मेरा जो AST निकलेगा 264 mm स्क्वायर, ये AST निकला मैनोवर। स्पेसिंग निकालने के लिए स्मॉल AST डिवाइड बाय कैपिटल AST मल्टीप्लाइड बाय 1000 का 1 मीटर के लिए हम निकाल रहे हैं। तो हम एज्यूम किए कि 10 mm डायाबार प्रोवाइड कर रहे हैं मेन रेनफोर्समेंट में, तो 1 के लिए एक बार का जो हो जाएगा एरिया तो 5/4 10 का स्क्वायर तो याद है 78.5 mm स्क्वायर, ये एक बार का एरिया होगा। तो स्पेसिंग हो गया तो स्मॉल AST मतलब एक बार का जो एरिया अभी हम निकाले इतना डिवाइड बाय टोटल AST जो है मेन रेनफोर्समेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो यहाँ से जो आ गया 297.34 अप्रॉक्स राउंड में लेके चलते हैं हम 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 mm डायावर्स एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर इन टेंशन जोन ने मैन रेनफोर्समेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेप 7 कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार 0.12% HYSD बार के लिए होता है 0.15 माइल्ड स्टील के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या है HYSD बार होते हैं तो 0.12 डिवाइड बाय 100 इंटू बी इंटू डी ओवरऑल डेप्थ, तो यहाँ पे टोटल वैल्यूज पुट करते हैं बी 1000 एंड डी जो उसका एवरेज डेप्थ लेके चल रहा है एवरेज, तो एवरेज डेप्थ मेरा 187.5 आए थे। तो AST मेरा मिनिमम जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 225 mm स्क्वायर। स्पेसिंग क्या होगा स्मॉल AST डिवाइड बाय कैपिटल AST मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लें 8 mm डायावार्स यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार में, तो स्मॉल AST आ जाएगा 50, अगर 8 mm डायावार यूज कर रहे हैं तो 5/4 8 स्क्वायर तो 50.24 mm स्क्वायर, तो स्पेसिंग उसका आ जाएगा स्मॉल AST डिवाइड बाय कैपिटल AST मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 223.28 mm स्क्वायर, तो इसको हम लेके चलते हैं 220 mm सेंटर टू सेंटर। तो इनसे हम लिख सकते हैं 8 mm डायावार्स एट द रेट 220 mm सेंटर टू सेंटर इन डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो स्टेप 8 क्या है चेक फॉर शेयर VU हम निकाल चुके थे पहले 24 किलो न्यूटन हम निकाल चुके थे यहाँ पे VU का फॉर्मूला था WL इफेक्टिव, तो यहाँ से 24 किलो न्यूटन हम निकाल चुके थे। तो अब हमको निकालना क्या है टाउ भी निकालना है, टाउ भी का फॉर्मूला होता है VUB इंटू डी, पेज नंबर 72 IS 456-2000 में दिए हुए हैं, हम आपको दिखा देते हैं पेज नंबर 72। ये पेज नंबर 72 टाउ बी का फॉर्मूला दिया है VU डिवाइड बाय बी इंटू डी, तो यहाँ पे VU हम निकाले 24 × 10^3 डिवाइड बाय बी 1 मीटर के लिए कर रहे हैं एंड डी जो है इफेक्टिव डेप्थ 220 mm। टाउ बी मेरा जो आ गया है 0.109 Nm² परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है, परसेंट ऑफ स्टील निकालने पेज नंबर 73 में दिए हुए हैं, ये पेज नंबर 73 है यहाँ पे दिया परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला AST डिवाइड बाय BD इंटू 100, वही हम लिखे हैं तो AST डिवाइड बाय BD AST जो मैंने वाला रखना है 264 निकाल चुके हैं, B भी मेरे को पता है D भी पता है इफेक्टिव डेप्थ इंटू 100, तो यहाँ से जो मेरा परसेंटेज ऑफ स्टील 0.12% आया। तो यहाँ से हम टाउ सी का वैल्यू देख सकते हैं टेबल 19 में यहाँ पे दिया हुआ 0.टाउ सी में परसेंटेज जो स्टील निकला 0.12
परसेंट निकला है, तो ये परसेंटेज ऑफ स्टील, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 0.12 दिए हुए नहीं है, तो यहाँ पे दिए हुए फर्स्ट में 0.15, इससे छोटा भी और इससे इसके बराबर हम क्या लेके चलेंगे, इसी वैल्यू को लेके चलेंगे, इससे छोटा और इसके बराबर भी इसी वैल्यू को लेके चलेंगे। तो मेरा कॉन्क्रीट का ग्रेड क्या है, M20, तो 0.15 वाला ही लेके चलेंगे, तो 0.28 टाउ सी का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या होगा, 0.28 न्यूटन mm स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, टाउ सी ग्रेटर देन टाउ बी, तो हिंज जो मेरा स्ट्रक्चर है वो सेफ है। स्टेप नाइन क्या, ड्रॉ फिगर, ड्रॉ फिगर में वही 1.5 होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन 10 mm डाया बार एट द रेट 300 mm मैन बार्स, यहाँ पे मैन बार्स तो वही सब यहाँ पे लिख देना है, एंड दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm डाया बार एट द रेट 220 mm सेंटर टू सेंटर, ये डायग्राम बना दे। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।